पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र की सत्ता में पिछले 9 सालों से काबिज बीजेपी के लिए ये चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। पांच राज्यों में से 3 राज्य ऐसे हैं जहां ना तो बीजेपी की सरकार है और ना ही उसके गठबंधन के किसी सहयोगी दल की। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मिजोरम में बीजेपी की सहयोगी मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की और तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस की सरकार है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले इन विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नजरें हिंदी पट्टी के 3 राज्यों राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ पर रहेंगी, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस, टीडीपी और सत्ताधारी बीआरएस से होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पार्टी ने 17 में 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टी तेलंगाना को भी राष्ट्रवादी विचारधारा की नई प्रयोगशाला के रूप में देख रही है। यही वजह है कि इन राज्यों प्रचार के लिए बीजेपी ने हार्डकोर हिंदुत्व की छवि वाले नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को उतारा है। दैनिक भास्कर अखबार में छपी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण से अपने पक्ष में माहौल तैयार करेगी। इन राज्यों में पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ योगी की सभाओं को ट्रंप कार्ड की तरह इस्तेमाल करने जा रही है। जिन क्षेत्रों में योगी की सभाएं होनी है उनका चयन अंतिम दौर में होना है। ऐसा बताया जा रहा है कि चुनावी राज्यों में सबसे ज्यादा सभाएं योगी आदित्यनाथ करेंगे। योगी की सभाओं के लिए इन राज्यों के कई क्षेत्रों के उम्मीदवार अनुरोध भी कर रहे हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के महासचिव ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व पार्टी नेताओं की सभाओं के कार्यक्रम को जल्द ही अंतिम रूप देने वाला है। इस बाबत एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के महंत और भगवा वस्त्रधारी होने के साथ उनका सधा हुआ आक्रामक भाषण जनता पसंद करती है। योगी सरकार ने अपनी सरकार में जनता का प्यार और भरोसा जीता है। योगी सरकार अपराधों को खत्म करने के लिए लगातार प्लान बना रही है। अभी हाल ही में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपराध को कम करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दूसरी बार बड़े बहुमत से जीत के साथ कानून व्यवस्था रखने के कारण सीएम योगी की छवि और दमदार हुई है। जानकारी के मुताबिक इस बार तेलंगाना और राजस्थान में योगी की सभाओं का रणनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा। बीजेपी राजस्थान की राजनीति में वापसी करने की कोशिश में है। राजस्थान में मस्तनाथ मठ के बाबा बालकनाथ तिजारा विधानसभा सीट से उम्मीदवार है। बालकनाथ अलवर से सांसद है। गोरखनाथ पीठ का मठ होने के कारण योगी का इनसे खास जुड़ाव है। मस्तनाथ मठ के समारोह में योगी आदित्यनाथ ने कई बार इन्होंने भाग लिया है। वहीं तेलंगाना से बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं।